तो फ्रेंड्स, अभी आज का मेरा प्रोग्राम है ये डाना एटला के बैरल के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट करना। मैंने इसके ट्रिगर, इसका रेगुलेटर, इसका जो ये है ट्यूनिंग है, पावर है, हैमर स्प्रिंग वगैरह, उसके साथ सारा मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा आज और बहुत दिनों से करने की सोच रहा हूँ, वो इसके बैरल का पॉलिशिंग और क्राउन का चेकिंग। तो मैंने इसके बैरल को पहले क्राउन के बारे में मुझे थोड़ी दिन पहले जानकारी मिली है कि क्राउन को चेक करना है, क्राउन कैसा है, और क्राउन से ही ये पता चल पाता है कि बैरल का कंडीशन कैसा है। तो पहले तो क्राउन चेक करेंगे और क्राउन के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बैरल में पॉलिश करने की जरूरत है कि नहीं। दूसरा चीज देखेंगे कि जो फीड पैलेट फीड करते हैं तो वो आसानी से फीड हो रहा है कि नहीं, और बैरल चोक है कि नहीं। तो ये सब चीज चेक करने के लिए हम लोग बैरल को खोलेंगे और बैरल को चेक करेंगे और जरूरत पड़े तो पॉलिश करेंगे, और उसके बाद जो इसका ब्रीच है जहाँ से पैलेट फीड करते हैं उसको देखेंगे कि उसमें पॉलिश करने की जरूरत है कि नहीं, या इसके ओरिंग में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे करने के बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो बिफोर यानी कि अभी ये जैसा शूट कर रहा है उसका मैंने सारा वीडियोस बना लिया है 20 मीटर पे और 30 मीटर पे, और अभी जो मैं करूंगा उम्मीद है उससे मैं उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उससे फिर ये क्लियर हो जाएगा कि ये बैरल पॉलिशिंग इफेक्टिव होता है कि नहीं। मैंने प्लान किया कि इसको काफ़ी सिस्टमेटिकली और धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी जल्दबाजी के करें, एक बार करें और अच्छे से करें। तो जितने भी मेथड्स बताए गए हैं उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम काम पे बेस्ट रिजल्ट लाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर कम पॉलिश करते हैं या कम अपने बैरल को डैमेज करते हैं, उस पर कम काम करते हैं, तो आप बाद में ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ ज़्यादा एक्साइटमेंट में या जोश में आके ज़्यादा अगर बैरल को छील लेंगे या पॉलिश कर देंगे तो वो चीज़ फिर वापस नहीं हो सकता। ये मैंने ऊपर का सफ़ेसर का कोटिंग खोल दिया है, ये कवरिंग। अब ये प्योर डाना का बैरल है। इसमें मैं दो तीन चीज करके देखूं। पहला काम तो है कि बैरल को साफ करना है। बिना साफ किए बैरल को यूज करने से, ये पॉलिश करने से जो गद्दा जो गंदा है वो भी साथ में पॉलिश हो जाता है और एब्रेसिव की तरह काम करता है। इस एंड से इस एंड तक मैं पॉलिश करूंगा, साफ करूंगा। तो साफ करने के लिए मैं जनरली ये फुलथ्रू पॉड यूज करता हूँ। अब बैरल खुला हुआ है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस पुल थ्रू के थ्रू में इसको पार करके देखिए, ब्लैक डिपॉजिट, लेड डिपॉजिट, ये लेड डिपॉजिट है। अगर ये साफ नहीं होगा तो बैरल में पॉलिश करेंगे तो बैरल में डैमेज होगा। पर ये करने से पहले मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं ग्रूव, ये अंदर में देख रहे हैं क्लिपर है ना, एक फनल की तरह, इसको क्राउनिंग बोलते हैं। ये करीब 11 डिग्री और 7 डिग्री बोलते हैं, 11 डिग्री में क्राउनिंग किया हुआ है। इस क्राउनिंग का मतलब है कि पैलेट जो है बाहर गिर जाए, और साइड में क्लिपिंग बोलते हैं जो बैरल के जो अंदर में रैपिंग खत्म होती है वहाँ पे कहीं कोई माइक्रो डिफेक्ट के कारण क्लिपिंग नहीं हो, इसीलिए सारे अच्छे बैरल्स को क्राउनिंग किया जाता है। ये डाना भी क्राउन है। हमको चेक करना है कि क्राउनिंग में कोई फॉल्ट है कि नहीं। इसको चेक करने का एक तरीका है कि एक ईयरबड कॉटन का लाके इसमें डाला जाता है और देखा जाता है कि अगर ईयरबड का कॉटन इसमें फंस रहे हैं, इसका मतलब ये क्राउनिंग में कहीं पे थोड़ा सा डिफेक्ट है। मैं ईयरबड लाता हूँ और उसको चेक करके देखता हूँ। मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ फोकस करके लाइट और इसके एंगल से, बट ये बात मानिए कि ये ईयरबड अंदर ऐसे यू गया, बाहर खींचा, और ये जो ईयरबड का जो ऊपर का सरफेस है ये कहीं उखड़ा नहीं है, स्मूथ का स्मूथ है। ये जो काला दिख रहा है आपको, ये लेड दिख रहा है, और ये जो है लेड दिख रहा है, और आपको जो लाइन दिख रहे हैं वो इसकी राइफलिंग है। तो इसके क्राउनिंग में कोई इश्यू नहीं है। अब इसको काफी मेहनत से और काफी अच्छे से इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। पहले एक काम करेंगे और, पहले ये देखना है कि इस बैरल में चोक कहां पर है, पहली बात, और दूसरी बात कि कहीं पे पैलेट अटक रहे हैं या फंस रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरे पास पुश थ्रू रॉड है, क्लीनिंग रॉड है, नायलॉन ब्रशेस हैं इसके साथ, रात के ब्रशेस, मैं ये रॉड यूज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ग्रे है, बिल्कुल ग्रे है, इसके सरफेस पर कोई स्क्रैच निशान नहीं है, ये ग्रे है बिल्कुल। ये राफी थंडर का पैलेट ग्रे है,
इसको मैं इस एंड से डालूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमको प्रेशर फील हुआ और इसको धीरे से पुश करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा चोक है, ये रॉड ट्विस्ट हो रही है, मैं बहुत हल्के से पकड़ा हूँ, मैं सिर्फ ये रॉड को हल्के से गाइड कर रहा हूँ। इस जगह पे आके थोड़ा सा चोक है, यहाँ पे मुझे रॉड में टाइटनेस महसूस हुआ और यहाँ से ये पैलेट बाहर निकल गया। आप इस पैलेट के वो देख सकते हैं, इसके जो टेल है वहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस बने हुए हैं। इस पैलेट के टेल में बहुत स्क्रैचेस बने हुए हैं, मतलब ये चोक में अटक रहा है और ये राइफलिंग में ये फंस रहा है, तो ये बैरल पॉलिशिंग मांगता है। यह पता नहीं इस एंगल से दिखेगा, इस एंगल से दिखेगा, पहले बिल्कुल ग्रे था और अब इसमें माइक्रो स्क्रैचेस हैं। तो मैं ये फोटो क्लोजअप लेने की कोशिश करूंगा। तो ये जो माइक्रो स्क्रैचेस हैं, इसका मतलब है कि जहाँ पे ये चोक है पैलेट, तो पहले बैरल को ढंग से साफ करेंगे, इतना साफ करेंगे कि इसका सारा जो ब्लैकनेस है जो लेड का वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये ऑटो सॉल्ट मेटल पॉलिश है, ये स्टेनलेस स्टील पॉलिश है, इसको यूज करेंगे और उसके बाद करीब 100 बार इसे रगड़ेंगे और उसके बाद ये 20-30 बार ये एल्युमिनियम पॉलिश है, ये सब और फाइन है, तो उससे फिर यूज़ करेंगे ताकि एक स्मूथ बफ आ जाए और फिर देखेंगे पैलेट पास करके। एक और चीज़ यहाँ मुझे देखना है, ये ब्रिज है यहाँ पे, इसी के अंदर ट्रांसफर पोर्ट होता है। मुझे देखना है कि पैलेट डालते समय ये जो बैरल है वो तकरीबन चूड़ी यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल इसका मुँह ये ब्रिज होल से सटा हुआ है, बिल्कुल ये मुंह इसका बीच से सटा और ट्रांसफर पोर्ट इसके अंदर ही है। तो मुझे ये देखना है कि ये जो ट्रांसफर पोर्ट वाला एरिया है और जो इसका ब्रीच वाला एरिया है, यहाँ पे कहीं पे कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर होगा तो मुझे ये ब्रीच वाले एरिया में भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं एक बड़ा पैलेट लेता हूँ, इसके ब्रीच में डालता हूँ, ये एकदम आराम से चला गया और ये आराम से फिट हो गया। तो इस ओरिंग में हल्का से पहले एक सिलिकॉन स्प्रे मार देते हैं, बड़े आराम से चला गया, फीड हो गया, फीड हो गया, बाहर निकल गया यहाँ से। ट्रांसफर पोर्ट भी इसी के अंदर है, इसी जगह पे है। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा क्लीन किया तो ट्रांसफर पोर्ट के अंदर वो पॉलिश वगैरह चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारा बैंडेजेस पड़ा हुआ है, ये भी कॉटन का है, सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्म नहीं करता है और ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इसको पुलथ्रू के थ्रू खींच लेता हूँ बाहर, और अगर ये चला जाता है बिना किसी दिक्कत के तो इससे ज़्यादा आसान होगा साफ करना, क्योंकि इसको मैं आगे पीछे भी खींचता रहूँगा, आराम से चला गया। अब मैं थोड़ा सा WD-40 से भींगा लेता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको बाहर खींचता हूँ। ये भींगा पोर्शन WD-40 का लेड से भर के आया है, थोड़ा सा और ये साफ निकला, एक बार जो भी बचा पूछा ये बिल्कुल साफ निकला। तो ये सूखे एरिया से इसको पोंछ दिया मैंने, इसमें कई सारे गांठ बांध देता है, 5 गांठ बांधे मैंने। मेरा एम है कि ये जो पार्ट है, ये जो पहला गांठ है, ये क्राउन के बाहर नहीं आया, पर ये क्राउन के बाहर आ जाएगा तो क्राउन डैमेज हो जाएगा, क्राउन का मुंह चौड़ा हो जाएगा। ये ब्लैक मार्क को मैं बाहर लाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं आगे पार नहीं करूँगा। तो ये सूखा बैंडेज है, ये ब्लैक मार्क, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन फील हो रहा है, ये ब्लैक मार्क यहाँ तक आ गया तो मैं इसके आगे पुल नहीं करूंगा, बस यहीं तक पुल करूंगा। ये ब्लैक मार्क, ये मोशन रहेगा। अब जो है हल्का सा ये ऑटो सॉल्ट का मेटल पॉलिश लगा लेते हैं, काफी लगता है प्रेशर में था, अचानक से पिचकारी की तरह से बाहर निकला इसका पॉलिश, कोई बात नहीं, मैं तो यूज कर ही लूंगा। तो ये 5 नंबर तक गांठ है, यहाँ तक मैंने पॉलिश लगाया, अब ये बैरल को पॉलिश करते हैं ये ब्लैक मार्क तक।
ये हो गया क्लीन, इसको मैं पुल थ्रू कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे इसको फिर से पूरा गीला से और साफ से सुखाना है, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे उसके अंदर में पॉलिश का रेसिड्यू है उसको बिल्कुल निकालना है। ये जो पॉलिश है एब्रेसिव होता है, इसको अगर ठीक से साफ नहीं किया जाए तो ये लेड के साथ जब उसमें पैलेट चलाएंगे तो फ्रिक्शन के साथ बैरल को डैमेज कर देगा। तो ये मैं इसको पुल थ्रू के थ्रू साफ कर रहा हूँ। इसमें थोड़े थोड़े अंश अभी भी हैं पॉलिश के, तो ये जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो जाए कि इसके अंदर सब शरबत नहीं पी सके, मतलब उतना साफ करना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इसको हैवी ड्यूटी वाले जो ये है पेस्ट है उससे मैंने इसको साफ किया था। अब जो थोड़ा लाइट ड्यूटी पेस्ट है उससे मैं साफ करने जा रहा हूँ। हैवी ड्यूटी मतलब स्टेनलेस स्टील और उससे कम ग्रिट वाला मतलब ये अल्मीनियम का पॉलिश, मेटल पॉलिशर है। तो मैंने साफ करने से पहले बैरल क्लीन किया, सारा लेड बाहर निकाला, साफ किया, पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद फिर से क्लीन किया, सारा जो पॉलिश लगा था अंदर में जो पॉलिश का रेसिड्यू था उसको बाहर निकाला। अब जो ये दूसरा मेटल पॉलिश है उससे भी सेम चीज करेंगे, स्टेनलेस स्टील, ये मेटल पॉलिश लगा लिए थे, अब ये स्टेनलेस स्टील पॉलिश लगा रहे हैं। आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पैक देख रहे हैं, ये मेटल है, ये बैरल के अंदर का मेटल है जब ये नॉट्स इकट्ठा हुआ है। तो इस बार जो पॉलिश किए हैं इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मेटल निकला है पहले की तरह। अब इसमें थोड़ा सा WD-40 मार के इसको सुखाएंगे और साफ करेंगे। ये पॉलिश अंदर का निकल रहा है, तो मेरे पास ये क्लीन गॉज है, इस क्लीन गॉज को यहाँ से यहाँ पार करेंगे। फाइनली ये जो बैरल पॉलिशिंग प्रोग्राम है कंप्लीट हुआ, काफी घंटों से, लगभग एक घंटा हो गया करने में। अभी भी ये कंप्लीट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी मैं जिसमें से चार पांच क्लीन जो मेरी गंजी है, ये क्लीन जो क्लॉथ है उस क्लॉथ के चार पांच पैचेस इसके थ्रू रन थ्रू करूंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसके लिए जरूरी नहीं कि आप लोग करें। जब तक आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं फेस होता है तब तक आप लोग को ये सब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये जो पुल थ्रू कॉर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो इंसुलेटेड है, इसके आगे प्लास्टिक लगा हुआ है जिससे कि बैरल स्क्रैच नहीं पड़े। फिर टाइट पैचेस जा रहे हैं तो इसमें से डेफिनेटली कुछ कालिक मटेरियल निकल रहा है, कुछ रेमिनेंट्स जो थे पॉलिश के। तो जब तक सारे साफ नहीं हो जाते तब तक उनको पार कराता रहूँगा। आप जरा सा भी इसमें अगर सावधानी छोड़िएगा, थोड़ा सा खड़बड़ाइएगा तो आपका बैरल बर्बाद हो जाएगा।